सरकार के सख्त निर्देश और नए तीन तलाक के बिल पास हो जाने के बाद भी महिलाओं पर तीन तलाक का अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला यूपी के बुलंदशहर से सामने आया, जहां दहेज की डिमांड पूरी न होने पर पति ने पत्नी को तीन बार तलाक कहकर छोड़ दिया। पता जा रहा है कि नगर कोतवाली क्षेत्र के तरीनान में रहने वाली शहनाज का निकाह 2 साल पहले फिरोजाबाद के रहने वाले अकरम के साथ हुआ था। पीड़िता ने बताया कि पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग के रूप में बाइक और 2 लाख रुपए की डिमांड कर पीड़िता के साथ मारपीट करते थे और दहेज में 2 लाख रुपए न मिलने पर शहनाज के पति ने 3 तलाक दे दिया। मेरा नाम शहनाज है, खुर्जे की रहने वाली हूँ। मेरा पति अकरम फिरोजाबाद का रहने वाला है, मुझसे दहेज की मांग करते हैं। मुझे 3 दफ़ा तलाक तलाक कह के मुझे छोड़ गए मुझे कि अपने माँ बापों के पास रहे और दहेज मांगते हैं। क्या सब डिमांड करते हैं? शादी कब हुई थी आपकी? 23 अक्टूबर को हुई थी मेरी शादी। कितने साल हो गए? 2 साल हो गई, अब 23 तारीख को 2 साल हो जाएगी। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, मेरा भाई दूसरे के मजदूरी करता, छोटा भाई है मेरा। हमारा कोई है भी नहीं है ऐसे बड़ा। फिर सब लोग मांगते हैं, देवर भी मांगते हैं, जेठानी भी, सास नंदे भी सब मांगते हैं कि दहेज ये लाओ वो लाओ, सब डिमांड करते हैं अपनी अपनी। मुझे छोड़ के धक्का मार दिया और कह दिया अब तुम्हें तीन तलाक देता हूँ। मेरा पति कल 30 तारीख में, कल शाम के टाइम छोड़ना आए थे मेरे पति। मुझे दे दिया आपने पुलिस को? मैंने दे दिया। अभी मैं यहाँ थाने आई हूँ, मेरा हमारा कोई है नहीं, इसलिए हम थाने आए। माँ के साथ हूँ अपने और मेरे पापा है साथ में। वहीं पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ ही पीड़ित महिला को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सर, खुर्जा नगर थाने में एक 3 तलाक का मामला सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला? हाँ, कल जो है देर रात में शहनाज वाइफ और अकरम, जो तरीनान में लियाकत की बेटी थी, उसका विवाह जो है फिरोजाबाद में कोटला सिया वाली मस्जिद के पास हुआ था। उसके पति उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और उसको प्रताड़ना देता रहता था। एक दिन उसको यहाँ पर गाड़ी में बैठा के खुर्जा लाया और उसके साथ मारपीट की और तहरीर के अनुसार उसको जान से मारने की भी कोशिश की और 3 तलाक देके इसे बस स्टैंड पर छोड़ गए। तब उसने मुकदमा कायम कराया, जिसको पुलिस ने 498A, 323, 307 DP एक्ट की 3-4 धाराएँ और मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम सुरक्षा के में 3 और 4 के अंतर्गत मुकदमा कायम कर लिया। फिलहाल पीड़ित महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जांच कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।